वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ। शाह साहब की जान कैसे हैं आप? बड़ी दिन बाद आवाज अल्लाह सुनी अभी। बड़ी दिन बाद ऐसा लग रहा है, कल की हालांकि हमारी बात हुई है, लग रहा है कई दिन हो गए। सब देखो, कल तो बात हुई थी हाँ अल्लाह की फजल से, लेकिन आज जो एपी सिंह ने बयान दिया है ना, वो पूरे हमारे हाँ हक में है। ये बयान जो आए हैं, हाँ जो इंतहा पसंदी की बात उन्होंने की है जी, सलाम पाकिस्तान के खिलाफ, अर्ज़ाई है, अस्सलाम बोला है वालेकुम। हमारे खिलाफ। वालेकुम अस्सलाम। नंदी बाउच कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। जो बातें उन्होंने बोली है ना, ऐसे समझो हम केस जीत गए हैं, वो हार गया है। बिल्कुल तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल हमने कभी नहीं एक कहा है। वो जब ये कह रहे हैं, वो उन्होंने ये बातें कही है। मैं जब उनकी वो ये जब उनका ये आया था, इंटरव्यू आ रहा था, वो सीमा भी बैठी हुई थी, और मैं तो उस वो क्या कहते हैं उस एंकर को, अरे भाई आप एक तरफ का मौकफ क्यों सुनते? आप साफी कहाँ से है? आप एंकर कहाँ से है? एक तरफ का मौकफ आप भाई, सुन रहे तो हैं? मीडिया मौकफ दीप बलोच, दीप एपी बलोच, सिंह का है ना ये साफी लोग पैसा लेते हैं। ये लोग का जी। हाँ जमीर मेरी मर गया, फातिमा ये बहन, लोग का बिल्कुल ईमान, बिल्कुल ये लोग का ईमान गया। ये लोग नहीं जानता है हकीक, यानी सच बात नहीं कर सकता है। ये लोग क्यों पैसा खाता है? पैसा, ये लोग का जमीर गया, ये लोग का ईमान गया। ये एपी सिंह नफरत करता है फातिमा बहन, इस्लाम आप को, सच कह नफरत रही हैं, नफरत करता है मुसलमान को। इसका बातों से लग बिल्कुल देख रहा है, बहुत नफरत जी करता है। अगर इसका हाँ हाथ होएगा, ये सब मुसलमानों को खत्म करता है। लेकिन नहीं, एपी सिंह तुम बहुत गंदा आदमी, कमीना आदमी, कुत्ता कमीना है तुम, हम बोलते हैं इसको, बेशरम आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहरहाल मैंने कहा कि तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जितने भी भाई बहन हैं, वो जो है ना, इसके आज का जो बयान है एपी सिंह का, उस पर कोई गुस्सा नहीं हो, बल्कि शुक्र मनाए। क्योंकि एपी सिंह ने खुद जो है बेवकूफी, क्योंकि एक काबिल इंसान क्या होता है, वो काबिलियत की बात करता है। एक तालीम याफ्ता, एक पढ़ा लिखा इंसान, एपी सिंह ने साबित कर दिया कि वो कहीं से भी पढ़ा लिखा नहीं है। अंगूठा छाप और चिंदी चोर जिसे कहते हैं, शाह मुर्गी चोर इंसान वो है। साहब, उन्होंने जो बातें की हैं, जाहिल इंसान ऐसी भी बातें नहीं करेगा। वो तो अंगूठा छाप है, कहां से इसको किसी ने वकालत का जो है ना लाइसेंस दे रखा है? किसने दिया है इनको? वो मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूँ, जिन्होंने इनको वकालत का लाइसेंस दिया है वो भी बेवकूफ होगा। ये क्या वकील है? बिल्कुल ये वकील है? हम दुनिया में नहीं देखा ऐसा वकील, ना ऐसा वकील की देखा, ना ऐसा औरत ये भगोरी का वकील जैसा। का काम है, बिल्कुल वकील तो ऐसे नहीं होते भैया। वकील तो ये है नहीं, मोमिन वकील तो मलिक भाई साहब है, जो देखे वहां पे मीडिया जा रही है उनसे हाँ ना, इंटरव्यू वगैरह ले चुके हैं। वकील इसका आंख कौन तो देखता उनको कह है? रहे हैं जी ये बेशरम मेरी वकील का बहन। आंख आंख देखता है, इसका मुंह देखता है, हरामी है। देखो ऐसा, इसका हाँ जब आंख बिल्कुल लाइफ में देखो कैसा हरामी जैसा है, मालूम है? गुंडा 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 वकील है, बदमाश वकील है, बिल्कुल हरामी। बात करता है इस्लाम का बारे में, बात करता है, बेशरम आदमी, आतंकवाद आतंकवाद क्या समझता है ये खुद को? बहुत बिल्कुल, ये बेशरम आदमी जाहिल है। है। अमर भाई देखें, प्लीज आप ऊपर आ पता जाओ। है क्या, ये खुश है, अमर ये भाई का खुश भी है, ये खुश है, ये वकील खुश है, मेरा नेटवर्क नहीं बगोरी था शाह साहब, हिंदू बन, 10-15 ये मिनट खुश है, 20 मिनट बगोरी पहले मेरा नेटवर्क नहीं था, साढ़े हिंदू, 11 बजे तक, 11:45 बजे तक। हिंदू। अच्छा ये अच्छा खुश है, बलोच भाई, हिंदू बन, वो सिस्टर कुछ कह रही है? ये हाँ खुश जी है, जी जी वकील है, तो बगोरी हिंदू बन। ये लोग नहीं जानते, न हिंदू है न ये मुसलमान है, ये बेशरम औरत, बेगैरत। नहीं, अभी अमर कौन सा भाई, हिंदू फातिमा मजहब, नहीं, अभी बहन कौन एक सा, मिनट, मैं अमर भाई को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक अमर भाई मिनट प्लीज आप ऊपर आ जाए। एक मिनट, बलोच भाई, हाँ अमर भाई आ जाए आप जी बहन। ये कौन सा मजहब, हिंदू लोग, हिंदू हिंदू का कौन सा मजहब है? बोलता है इसका बी यानी उसका बीवी है, भाग जाएंगा, दूसरा को घर में बैठेगा। हाँ, कौन सा हाँ मजहब, ये कौन सा मजहब है?
ये जो साहबी जो ये चैनल वाला शर्म नहीं करता, ऐसा बात पूछता है। अच्छा है तुम लोग का प्यार अमर होना, बेगैरत आदमी तुम भी। ये चैनल वाला भी बेगैरत है, ये वकील भी बेगैरत है, ये सीमा बगोरी भी बेगैरत है। लेकिन आखिर फिल्म का आखिर में ये सीमा ये बगोरी मरेंगी मरेंगी ये अपने यारों का हाथ से। हाँ हैदर भाई का बच्चा बिल्कुल जाएंगा अपने मुल्क में, लेकिन ये नहीं बचेंगी, ये मरेंगी ये लोग का हाथ में। बेगैरत लोग, बहुत बेशरम लोग है ये वकील, बहुत हरामी है। क्या किया वकील? कुछ नहीं किया। अभी वो लोग डर रहा है ना, वो मोमिन मलक आया ना, ये डर रहा है ये वकील, हाँ हरामी। इसका मुंह देखता वही है, तो इसका मुंह देखता है ये हरामी है, इसका मुंह से देखता है ये हरामी आदमी है, ये बदमाश आदमी है, बेगैरत। हिंदू हिंदू लोग का नाम भी खराब किया और हम लोग का इस्लाम का भी खराब करता है, बेगैरत। लेकिन नहीं, हम लोग का इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग मुसलमान है, पक्का मुसलमान। हम लोग नहीं बोलते जाओ इसको मारो, ये क्या बात है करते हैं आतंकवादी। अगर आतंकवादी हैदर हैदर बेचारे सऊदी में तक कमा रहा था, कहाँ आतंकवादी किया? हाँ बेगैरत ना औरत भी, ये मरेंगी ना, ये बगोरी मरेंगी ना, जलील होएंगी मरेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का ताकत बहुत है, इंशाल्लाह अल्लाह साथ देता है, ऐसा गद्दार लोग का साथ नहीं देता है। बहुत सही, बिल्कुल सही। आपकी आवाज कट रही है। अमार भाई कहाँ थे आप? अमार भाई आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे भाई, कुछ तो बोले। आवाज कट रही है मैडम, आपके सिग्नल का इश्यू हो रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है मेरी आवाज आपको? आ रही है आवाज बंद हो आपकी? गई आवाज बिल्कुल मरा आ रही रहे है मैडम की आवाज, अब आ रही है आवाज आपकी, आ रही है जी। आप भाई, बोलेंगे, आपके बाद अम्मार अमर भाई बोलेंगे, भाई फिर क्या कहते हैं का तिरुप्पी की मॉम बोलेंगी, फिर बलोच भाई और मैं, बारी जी, बारी। अमर भाई आज बोले भैया। दी बलोच हमारा आवाज आ रहा है? हाँ जी हाँ बहन, आपकी मेरी आवाज आ बिल्कुल रही है, सही आ रही है आपकी आवाज, कट कट और के आ लोग रही का है। आवाज शायद वो हो गया। है गंदा हाँ वकील, ये वकील थोड़ी है, ये तो डड्डू है। दलार है, दलार ये दलार है ये। सीमा को कौन, बगौर को अरे कौन भाई मारा? ये वकील ये लोग नहीं, ये वकील तो हम कब से शुरू से बोल रहे हैं वकील नहीं है, ये एक भाषणखोर, एक वो होते हैं पॉलिटिशियन भाई, वो है, ये वकील नहीं है। ये अभी जो है ना सियासत सीमा ने करना डिग्री चाहता कहाँ है, से इसने पैसा वकालत दिया? छोड़ दिया है। नहीं, ये हाँ पैसा है, पैसा में वो डिग्री खरीदा। पैसे में ही खरीदी होगी, क्योंकि बता रहे थे ना मैं तो फौज में जा रहा था, अच्छा होता ये फौज में चला जाता और कहीं शहीद वहीद हो जाता तो आज दुनिया को गंद देखना नहीं मिलता। आपकी आवाज फिर चली गई मैडम। नहीं, चल गए। नहीं, ये लोग ऐसा सवाल पूछता है बगोरी को, ये जो ये चैनल वाला, तुम लोग का प्यार प्यार, तुम पूछो इसको, तुम गलत है, तुम तलाक तलाक लेता था, आता था बच्चा को छोड़ता था, फातिमा बहन, कैसे? उस बिल्कुल एंकर को इससे ये पूछना चाहिए था, उस एंकर को ये पूछना चाहिए था कि जब हैदर आपको मिर्ची फेंकता था आपकी आंखों में, आपको मारता था, आपको पीटता था, आपने पहला बच्चा पैदा किया, चलो दूसरा किया, तीसरा किया, चार बच्चे आपने पैदा किए, ये प्यार था या नहीं, ये क्यों नफरत था, किए? क्या था, ये क्यों किए, देखो नहीं, क्यों 4 साल, किए। नहीं, बोलते है 4 साल हैदर हमको छोड़ दिया ना, तुम 4 साल पाकिस्तान में थे, हाँ तुम क्यों नहीं गई कोर्ट में, तलाक नहीं लिया? ये आदमी हमको कानून बिल्कुल मारता था, नहीं अभी गई, गया, थाने में क्यों नहीं गई हमारा भाई, गुड्डू पूरे मारा, वैसे तो हमको ये मेरी किया। फातिमा बहन, फातिमा आंटी मेरी बात सुने, पूरे कराची में ये टिकटॉक बनाती थी, है वहां
में वायरल, कराची के भी टिकटॉक उसके अकाउंट में होंगे। इंस्टाग्राम बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी, पबजी खेलती थी, पबजी को पबजी हुआ। ये थाने नहीं जा सकता था, कानून पे नहीं जा सकता था, कानून जाता था ना वो तलाक। अच्छा तुम बोलते हैदर हमको तलाक दिया, तुम जाते तक कोर्ट में हमको तलाक दिया, कोर्ट बोलते दो शाहिद लाओ ना, कौन तुमको तलाक दिया? अगर नहीं तुम नहीं मानता था, खलू लेता था ना, इस्लाम का अंदर है खलू। हाँ हमारा आदमी बाहर है 4 साल है, हम बगैर आदमी से नहीं रहता है, हम खलू मानता है, खलू लेता था। बहुत झूठी औरत है, गंदी औरत है, ये मुसलमान हिंदू करता है लड़ाई मानता है, बेगैरत औरत। ये लोग मरेगा अच्छा। नहीं माना लोग का मसीर, इस लोग का मसीर क्या होएगा? नार जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि ये इससे लोग ये पूछे, बलोच भाई इससे सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाए कि भाई तुम एक बात बताओ, 4 साल पहले तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे के चला गया था, 3.5 साल की तुम्हारी बच्ची है, 3.5 साल की बच्ची किसकी है फिर ये, अगर हैदर की नहीं है तो? नहीं, तो वो पूछना उन्हें एंकर को चाहिए भैया, एंकर को पूछना चाहिए था, जो इससे दो सवाल भी उनका ले रहा था और जवाब भी उनका ले रहा था। कौन सा एंकर है? मीडिया तो भाई आजाद होती है, वो तो गुलाम मीडिया है, गोदी मीडिया है, खरीदा हुआ मीडिया है, जो जिसको पैसे देगा उसी की जुबान बोलेगा वो। कौन सी मीडिया है ये? वो सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह मीडिया जो है ना वो उसका साथ दे रहा है। मैंने इनको चैलेंज किया, मैंने कहा अर्नाब गोस्वामी है, इतना बड़ा इंडिया का वो क्या कहते हैं एंकर है, उसके सामने सीमा को और एपी सिंह को बैठाएं, या वो जो निर्भया केस में जो इसके साथ डिबेट कर रहा था उस एंकर को बैठाएं। मैं इन दोनों बंदों को मानता हूँ कि इनके सामने बैठाए और इनसे फिर पूछे कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसकी एपी सिंह की जरूरत ही नहीं होगी। दोनों पार्टियों के सवाल और जवाब होने चाहिए। एक बंदे को बिठाते हो, उसके वकील को बिठाते हो भाई, फिर उनके ही सवाल वही उनसे पूछ रहे हो, भाई सीमा तुमसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? अरे यार ये कोई सवाल और जवाब हो रहे हैं? ये कोई मीडिया है? मैं तो लानत भेजता हूँ इस एंकर पे। ये लोग को पैसा देता है ये लोग, एक हजार रुपया ये लोग क्या नहीं करता है, पैसे से मर रहे, अपने जमीर बेचा ये लोग, अपने ईमान बेचा, ये क्या डरता है? ये लोग कुछ नहीं डरता है, ये बस पैसा का बंदा है ये लोग। जैसा एपी सिंह है ना, ये दलाल वकील है, ऐसा ये लोग भी है, जो ये लोग का साथ है ना सब दलाल है इसका साथ, बेशरम लोग सब बेगैर रहते हैं। अच्छा हमें सोनी सिस्टर ने ज्वाइन किया है। सोनी सिस्टर वेलकम। हेलो, अच्छा वो चली गई। फातिमा सिस्टर आप वैसे हैं कहाँ से? दुबई से। दुबई से, मतलब बेसिकली आपका जो कंट्री है वो क्या लगती है, पाकिस्तान इंडिया? नहीं, दुबई से है भैया। कुमार भाई ने कुछ सवाल जवाब करे। हमारा बाप दुबई का है, अरब है, हमारा माँ बलोच है। अच्छा, सही तो अमर भाई बलूचिस्तान का, मामा बलोचे। अच्छा, गुड है, ये तो अच्छी बात है। बाबा अरबी, गुड। हम इंडिया को बहुत लाइक करते हैं, हम इंडिया जाते हैं आते हैं, पाकिस्तान भी आया लेकिन इतना नहीं आया, लेकिन हमारा बहू पाकिस्तानी है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। ये देखें हमारे बहने हैं नीचे कमेंट कर रही हैं, वो ऊपर हमारे साथ एक क्या कहते हैं एक हमारी बहन ऊपर बैठी हुई है, वो भी अच्छी है माशाल्लाह, ज्योति सिस्टर। अमर भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो मैंने अभी तक जो है वो बात बताई है एपी सिंह के हवाले से, क्या आप कहेंगे? हेलो, मेरे ख्याल में अमर भाई के सिग्नल जो है ना, उन्होंने कहा कि आज बात नहीं करने देनी हम दोनों भाइयों को, तो बहरहाल
मैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, हम मैं फिर बता दूं, देखें एपी सिंह के बारे में, ए सीमा के बारे में जो भी अभी इन लोगों के बयान आता है, आप लोग घबराने का नहीं है, कोई परेशानी में आके कोई एपी सिंह की चाल में नहीं आए, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अमर भाई का मैसेज आया कि शेर भाई नेटवर्क खराब है, आज आवाज नहीं आ रही, मरियम नवाज की मेहरबानी है। आए हाय, चलें कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। बहरहाल तमाम भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखें, एपी सिंह यही चाहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुखालफत में बयान शुरू हो जाएं हाँ, ऐसा और हिंदू ऐसा मत मुस्लिम कर, के दरमियान जो लड़ाई हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना है। तमाम यूट्यूबर्स जो हाँ मुझे देख रहे सुन रहे हैं, तमाम जर्नलिस्ट जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, सब लोग इस बात पे अमल करें कि साहब, उसको घास ही नहीं डालनी, खुशी मनाए बस। क्या साहब मेरी बात सुनो, जो इंतहा पसंद बयान एपी सिंह ने दिया है, हम पागल नहीं है, हम सब समझते हैं, समझता है हम हाँ हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं करेंगे, ये बात बच्चों की है, बच्चों बिल्कुल पे ही करेंगे, हैदर का भाई का मसला हाँ है, फैमिली मैटर है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो एपी सिंह बोल रहा है उसको बोलने दे। एपी सिंह खुद नफरत करता है, हाँ सब समझता है, सब नफरत हम करता सब है, प्यार करते हैं हिंदुस्तानियों से, भाई हैं, बहने हैं, बेश सब हैं, हम सब उनसे हम बेश प्यार करते हैं भाई, हम नफरत नहीं करना जानते, हम प्यार का पैगाम दे देंगे, ठीक है ना शाह एपीसी साहब? देखो, एपी हाँ सिंह एक बाप का आह 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 लगा, इसको बाप का आह लगा, देखो आगे एपी जी, सिंह को क्या होएगा, कैसा मरेंगे ये इसको सुअर सुअर, हाँ उसको तो कीड़े पड़ेंगे, उसको तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े लेकिन पड़ेंगे देखो या खुद एपी कीड़ा सिंह, ये इसको। मेरी बहन फातिमा बहन, एपी सिंह ये नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के लोग एक हो जाएं, ये को ये जाए हाँ नफरतें खत्म करने की कोशिश हम हाँ कर रहे हैं, एपी देखो सिंह ना उनको नहीं तुम वो बस नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ हम पागल नहीं है, हम समझ रहे हैं। हर इंटरव्यू में, हर हाँ इंटरव्यू मुकाबला, यानी देखो हिंदी हम नहीं जानता, सीधा मुकाबला जब वो उसको माइक्रोफोन देता है, बात करो, लाजम पाकिस्तान का नाम, मुसलमान लोग का नाम, आतंकवाद, जिहाद, क्या बोलता है तुम हम इससे इंसान है, मुसलमान हिंदू हिंदू और हम मुसलमान लोग का बाद में इस्लाम, बने, पहले हम हम इंसान लोग है। का इस्लाम, हम लोग का अल्लाह बोला ला तसबून आयले है, यानी उन लोग का जो भगवान है, उन लोग जो इबादत कर रहे हैं, उन लोग को गाली नहीं देना है, बोलता है उन लोग का हाँ एहतराम करना है, उन लोग का एहतराम करना, हमारा बेशक दीन बेशक ऐसा, हमारा दीन ऐसा हमको सिखाया, बोला जो काफर को देखेंगे, हिंदू को, मसीह को, हर यानी अच्छा रहो, अच्छा बात करो, अखलाक अच्छा करो, बात अच्छा करो, नहीं बोला जो ओ करो, हम लोग का नहीं वैसा नहीं हमारा बोला, हम लोग का हमारा इस्लाम फातिमा बहन, हमारा इस्लाम ये कहता है हर किसी का रिस्पॉन्ड करो, हर किसी को मोहब्बत हाँ करो, प्यार से अगर मोहब्बत करो आपके हाँ मजहब में आ जाता है, प्यार से मेरे मजहब में कोई आता है तो वेलकम, हाँ मोहब्बत से उसको अगर अपने मजहब में लिया अगर किया हो। नहीं, अगर वो आया हमारा घर में हमको मारा, हम मार सकता है हाँ, वो अपने जगह हम अपने जगह, अच्छा है, हम लोग को ऐसा इस्लाम ऐसा नहीं सही सिखाया, अभी दो तीन लोग ऐसा बिल्कुल है, उन लोग बिल्कुल, का उन लोग इस्लाम नहीं जानते, जो ऐसा काम करता है इस्लाम नहीं जानते, बिल्कुल जी ये अगर बिल्कुल इस अगर सही कह रहे हैं, हुकूमत, अगर इंडिया का हुकूमत एपी सिंह करेगा, एपी सिंह ऐसा लड़ाई पाकिस्तान के साथ, मुसलमान लोग के साथ, क्या बोलना हाँ। हाँ बिल्कुल सही। हाँ अमार ज्योति भाई आए सिस्टर हैं, आप कुछ कहेंगी? अमार भाई भी आ गए। मुसलमान पहले भी हमारे भाई थे और हमेशा हमारे भाई रहेंगे। त्रिपति थैंक यू, हाँ वैसे ही आपको बहुत भी लोग गुड हमारे इवनिंग कहते हैं, बल्कि गुड नाइट कहते हैं, वेलकम। हमारा घर में, हमारा घर में हिंदू जी औरत काम कर औरत जी काम कर रही है हमारा घर में हिंदू मुसलमान, मैं तो यही पैगाम हाँ, देना चाहता हूँ, हिंदू और हमारा जो मुसलमान काम भाई भाई हमारा भाई लोग भाई, काम एपी काम सिंह वाले को ये लोग हैं जूता है, हिंदू और सब मुसलमान हम भाई भाई है, एपी सिंह आप जो इंतहा पसंद नफरत फैलाना चाहते हो, आपके लिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, हम हिंदू और मुसलमान भाई भाई, आपको भाई जो करना भाई, है जाके कर ले। हमारा घर में, हमारा घर में, हमारे बेटी लोग का घर में क्रिश्चियन लोग काम करते हैं, हमारा घर में एक हिंदू काम करते हैं, एक मुसलमान साथ में काम कर रहा है, अभी हम इसको नहीं लेंगे, हम बोलेंगे हिंदू है ये, नहीं वो इंसान है हाँ क्या बात है, जबरदस्त। हाँ
खाना ऐसा ही होना पकाती चाहिए। हाँ है, ये हिंदू है, खाना पकाती है हमारा घर में। अरे वाह, और ये सीमा के मुंह पे एक तमाचा पड़ गया, कसम से हम लोग सीमा के मुंह पे काटा तमाचा पड़ गया। सीमा सीमा ने लड़ाई कराई है ना, वो के मुसलमान जो है पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं, दो हाथ का खाना भी नहीं है। खाते, उनके गिलास जो नहीं, जिसमें वो पानी हम पीते वो खाते फेंक हैं, देते हैं। हमारा वो हमारा घर अभी हमारी बहन ने बताया। हाँ बहुत जबरदस्त। हमारा घर में खाना पकाती है हमारा ये तब्बाख है, नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलता है, और दूसरी जो मुसलमान है वो घर का काम करती है, ये नहीं, ये खाना पकाती है अच्छा जो गुड। वो हिंदू है, खाना पकाती है, श्रीलंका का है। शाह साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जी कसम जी से अगले साल हमारे हिंदू भाई ने मेरी दावत की थी, खाना उन्होंने अच्छा पकाया, हर चीज उन्होंने किया, दावत मेरी सही, थी, उन्होंने मेरी दावत की, मुझे दावत पे बुलाया, मैं उनके दावत पे गया, उनके घर पे गया, उनके डेरे पे गया, मेरी दावत की, यकीन खाना सही। माना उन्होंने पकाया, मैंने खा लिया उनके साथ मिलके। यार ये कौन सी बात कर रही है हाँ, ये हम भी सीमा। वही तो। अच्छा मेरा एक, मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था, तो वहां पर मेरा एक हमारे पड़ोस में एक दुकान थी, इसका नाम था लड़के का प्रकाश। तो इत्तेफाक से कोई त्योहार चल रहा था इन दो का, मैं नया नया मेरे समझने के मुलाकात हुई थी जिंदगी में, फर्स्ट टाइम किसी हिंदू लड़के से मुलाकात हुई थी, तो हमारी अच्छी दोस्ती यारी हो गई थी। तो उसने कुछ खिलाया था मुझे ना, कि वो कोई मतलब मीठे चावल टाइप का कुछ था। मैंने कहा कि किस चीज में, तो वो कोई पूजा वगैरह चल रही थी, तो उसका उसने कहा कि ये उसके हैं ये। मैंने खाया, इतना मजेदार था, मैं तो खाते ही चला गया वहां पर। तो मैंने घर पे आके भी बताया, मेरे अम्मे वगैरह ने सबने कहा कि अरे तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सीमा पता नहीं क्या मैसेज दे रही है, एपी सिंह पता नहीं क्या, एपी सिंह ने कुछ भी कर लेना है ना, हमने आपस में लड़ना नहीं है, बस ये बात सारे याद रखें कि हम बिल्कुल ये जो चीज मैं अपने चैनल से खास तौर पर लेके चलाऊं ना, कि हमने आपस में प्यार मोहब्बत बांटना है, इसको आगे सब लोग आगे बढ़ाएं। एपी सिंह का जो है ना मुंह के ऊपर जूता रखना है हमने, वो भी बाथरूम वाली चप्पल इसके मुंह पे रखनी है। मतलब यार यार भाई, अभी हमारे यहाँ पे आ रहा है होली का त्योहार, इनका हिंदू हिंदू हाँ भाइयों का होली का जी त्योहार जी आ रहा है, मैं वीडियो बनाऊंगा, हाँ बिल्कुल आपको भेजूंगा, अपने चैनल पे जरूर रखिएगा वो वीडियो। अभी चंद दिन है बाकी अच्छा होली पे। हाँ बिल्कुल, तो वो होली, 24-25 तारीख की है होली, 25 की है होली। हाँ मेरी बहन, वो होली का अच्छा वीडियो मैं शेरियार भाई आपको भेजूंगा, जहाँ पे मैं रहता हूँ, आप देख लेना कि कैसे हमारे हिंदू भाई यहाँ पे, हम मुसलमानों पे रंग छेड़ते हैं, फेंकते हैं भाई, उनका खुशी है, उनके खुशी में हम भी शामिल होते हैं, हम हाँ खुश होते हैं कि ये हमें ये चीज फेंक रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, यकीन मान, रंग का त्योहार है भाई। कसम से बिल्कुल अरे अरे भाई, आप ये बोल रहे हैं, भाई हमारा एक मंदिर था, वो पूरा हम लोग तो भोपाल रहते हैं, बिहार में हम लोग की मतलब जमीन है कि बहुत, तो वहां एक मंदिर बनवाया, पूरा मुसलमानों को ही ठेका दिया, मुसलमानों ने ही बनवाया वो पूरा मंदिर। अरे मेरी क्या बहन, बात है, जहाँ पे जबरदस्त। रहता है, लेकिन ये एपी सिंह और सीमा मिलके क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को, वो जो हिंदुस्तान देखिए ऐसा के है ना, लोग, एक हिंदुस्तान के मुसलमान लोग, गलत है, एक हिंदू गलत है, दोनों ही गलत मिल गए ना, इसलिए दोनों वो कर रहे हैं ये। वाह हाँ उनके रेट में पता बिल्कुल सही बात नहीं बोली। क्या चल रहा है। उनसे ये हमारी जो हम एक दूसरे के साथ भाई बहन बात करते हैं, उनको ये चीज जो है ना अच्छी नहीं लगती, क्यों क्यों बस बैठे सारा हुए यही हैं। कि वो ये चाह रहे हैं कि उनका प्रोपेगेंडा जो है ना वो चल नहीं पा रहा हम लोगों की वजह से, ठीक है ना, जी हाँ हम लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा चल नहीं पा रहा है, तो वो अब मौका उसने दिया कि है ना वो किसी तरीके से लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें करें,
ताकि जो है वो उसको मौका मिल जाए कि पाकिस्तानी चैनल जो है वो इंडिया के अंदर बैन हो जाए, पाकिस्तानी और इंडियन चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन हो जाए, ये वो चाह रहे हैं कि ये हरकत हो। और ये देखिएगा, हो सकता है कि वो तरीके से कामयाब भी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब भी बेवकूफ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है कि वो इसकी बातों में, इसका लाइसेंस कैंसिल होगा लाजमी। शेरियार भाई, हम ये होने नहीं देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम ये होने नहीं देंगे इनको। इनका जो प्लानिंग है, इनके दिमाग में जो चीजें है ना, हम जानते हैं, हम ये होने नहीं देंगे इनको। अरे शेरियार भाई, वो तो एपी सिंह तो ये भी बोल रहा था कि प्यार वो चीज होती है कि अगर सास भी चाहे तो दामाद से प्यार कर सकती है, खुद एपी सिंह ने बोला है। देखो बेशरम बताओ, मतलब एपी सिंह की माँ, एपी सिंह, एपी सिंह की माँ अपनी अपने दामाद से प्यार करती होगी। आपको एक बात बताऊं, हेलो जी सर, अरे अमर भाई की आवाज आई, माशाल्लाह अमर भाई बोले यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी, जी आ रही है बंदा, मेरा नेटवर्क बहुत, मैं भी कहा ना कि सास भी प्यार कर सकती है, तो इसका एक बहुत पुराना इंटरव्यू पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे ये अपनी बेटी के बारे में बोल रहा है कि अगर मेरी बेटी प्यार करेगी तो उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के उसको सुना। बोला था इसने, बोला था पहले, बोल चुका है सुना बस। वो शायद भाई ने भी लगाई है वो वीडियो, नहीं जा रही भाई आवाज, ठीक है जी आ गई भाई आवाज आ गई। तो मतलब हाँ, ये ऐसा ऐसा शर्फ फारिक है ये बंदा, गंदा बंदा, ये गंदा घटिया बंदा, बंदा है। अच्छा तृप्ति कह रही है कि मेरी सिस्टर ने मुसलमान से शादी की है और वो बहुत खुश हैं, 20 साल हो गए उनका, गुड तृप्ति, बहुत अच्छी बात है। ये खुद गंदा है ना, समझता दुनिया गंदा है, बेगैरत। वो खुद ही बोल रहेगा कि वो केस भी मेरे पास है, वो उसकी बेटी आती तो मैं बोलता हूँ जाके माँ, तेरी माँ तो है, जाके बात कर ले, वो प्यार करती है तो तू छोड़ दे, वो खुद ही बोल रहा है ये पिसिंग, उसी के पास है वो केस भी। हम लोग का इस्लाम का अंदर सास माँ है, माँ का जगह है सास। नहीं दीदी, सास है ना, जगह लेती है ये, सभी माँ मानते हैं सास को, सबके साथ ऐसा है। कुछ नहीं है, सब शरीयत भाई, हमारे मजहब में सास को अपनी माँ मानते हैं। वो कहते हैं ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, अगर माँ नहीं है तो सास के पैर, अगर अपने बेटी भी तलाक हो गया वो जायज नहीं है, वो दामाद सास को शादी करेगा, क्यों माँ है, माँ कर ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकती ना। हाँ, पता है क्या असल में मसला ये है कि इस बात से मुझे ये पता चला है कि एपी सिंह जो है ना, उसकी माँ जो है वो अपने दामाद से प्यार करती होगी, जब ये एपी सिंह ने ये बात की होगी। अबे भाई नहीं, शायद इसका इसका बीबी दामाद को प्यार करता है, इसका सिंह का अपने दामाद को प्यार, माँ नहीं, माँ का नाम नहीं लियो, इसका बेटी, इसका इसका बीबी। हाँ, नहीं, क्योंकि पता है इसकी अम्मा तो इसके साथ साथ होती है ना, इसकी अम्मा भी इसके साथ साथ होती है, हर उसमें तकरीब में साथ बैठी हुई होती है। भाई आप वकील हो, वकालत करो। मैंने रोशन सर से बात की थी, मेरे लाइव सेशन में पढ़ाया, मैंने उनसे पूछा था कि क्या वकील को ये इजाजत होती है कि वो फैमिली मेंबर बन जाए, तो कानून भी मैंने पढ़ के बताया कि कोई फैमिली मेंबर नहीं बन सकता जब तक केस चल रहा होता है, आप क्लाइंट और क्या कहते हैं वकील का आपका लिंग वो होता है रिश्ता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये ऑफिस जाता है वकील का, वकील नहीं आता है घर में, हम लोग का पास भी हाँ वकील नहीं आता घर पे, नहीं वकील का, वकील का मैनेजर भी नहीं आता है, वकील का जो इसका नीचे है इस्तिशारी बोलते हैं हम लोग, वो नहीं आता है, हम लोग चौबीस घंटे ही रहते हैं वहाँ पे, वकील है, यार है, सीमा का यार है, हम तुम लोग को बोलेगा। हाँ सच्ची बात ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब यही पहले खुलासा नहीं किया, पहले खुलासा नहीं किया, लेकिन आज इसका बातों ज्यादा हो गए ना, ये बहुत आगे चल रहा है, ये वकील बेगैरत, ये यार है,
ये बिल्कुल सीमा का यार है ये। हाँ दुनिया को देखें, बोलता है बहन, बहन है और यार है, बहन भाई बहन नहीं ये लोग। तो वो बोलता तो है भाई अपनी बहन को ऐसे देते, वो बोलता तो है मक्खन है पराठे पे लगा लो, सीमा को बटर है सब पे लगा लो, जैसे चाहो खा लो, बोलता तो है। कौन सा भाई बेगैरत भाई अपने बहन को ऐसा बोलता है, कौन सा भाई बोलता है अपने बहन को ऐसा। अगर कोई इससे बोल दे कि ये वाला मक्खन नहीं चाहिए, अगर कोई इससे बोल दे कि ये वाला मक्खन नहीं चाहिए, वो जो मक्खन तेरे घर में पड़ा है वो वाला चाहिए, तो फिर इसको पता चलेगा कि ये किसी की बहन बेटी को ऐसे मक्खन वगैरह बोला, घी बोला। अब हो सकता है वो अपनी बहन को भी बोलता हो, जबी तो इसको भी बहन बोलता है। हमारे सामने बोले तो फिर हम जवाब दें, बनाई हुई बहन हो या सगी, आपने बोल दिया जबान से कि बहन है तो फिर बहन ही है वो, बहन होता है। बिल्कुल, ये तो मतलब बेगैरत तरीन इंसान है कि भाई बहन के रिश्ते को पामाल कर रही है। साथ साथ पड़ोसी भाई बहन होता है, साथ पड़ोसी साथ है, हम लोग का भाई बहन है। हाँ वो तो बैठता भी, वो तो बैठता भी किस ढंग से, वो सबको पता होगा, कोई भी भाई बैठता है या कोई भी बहन बैठती है जिस ढंग से वो बैठता है गांव, वो जाता है कैसा, कैसा ओ लप्पू, ओ लप्पू ऐसा करा है, ओ लप्पू मालूम है कैसा है, ओ लप्पू एक लकड़ी नहीं, लकड़ी को कपड़ा पहनाता है, लप्पू ऐसा है, इसको बस कपड़ा पहना, इसको ऐसा लटक जा लप्पू। खेत में लगाते हैं ना, खेतों में डंडा लगा के कपड़ा पहनते हैं ना, कि ये नहीं आता। हाँ ये ऐसा है, स्केट रोज होता है, और कैट वाला भी इसका मुंह थोड़ा बड़ा है, इसका मुंह इतना चूहा है, बेगैरत बेशरम आदमी। देखे आपने चूहे की बेइज्जती की है, आप अच्छा नहीं किया आपने चूहे की बेइज्जती करके। चूहा रो रहा होगा कि मुझे किसने मिला दिया। नहीं वो पूछता है, नहीं पूछा सीमा तुम फिल्मों में ऑफर आया तुम्हारे लिए, हाँ बहुत आ रहा है, लेकिन ये यानी इंडिया का यानी क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, यानी अभी तक यानी इंडिया वाला नहीं हो गया ना, अभी तुमको फिल्म, तुम गई फिल्मों के लिए, वो गई फिल्म के लिए, लेकिन तुमको कौन अभी लेगा, तुम्हारा पेट इतना, तुम्हारा गांड इतना, हाँ सर्वस मनता है, तुम लोग लप्पू का साथ वो फिल्म निकालेंगे, अभी लप्पू का कितना क्रीम लगाएंगे, इसको जिम मनता है, क्रीम मनता है, दांत बनाना मनता है लप्पू को, हमारा प्यार है, बेगैरत औरत बेशरम, डूब के मर जाओ अच्छा है। हम ये जब प्यार ऐसा है कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कितना प्यार है उसको, खत्म ही नहीं हो रहा उसका प्यार। हम कसम से हम इसका जब देखा, वो बात कर रही थी ना, हम इंशाल्लाह आज रात को तुमको एक दर्द पकड़ेगा, तुम मरेंगे अच्छा है, हम ये बद्दुआ ही दिया इसको, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मर जाता है, डूब के मर जाता है। वो कहते हैं ना गुनाहगारों की उम्र ज्यादा होती है। हाँ औरत लोग का नाम को भी बदनाम किया, इस्लाम का नाम को भी बदनाम किया, बेशरम औरत बेगैरत, ये हमारा सामने आएगा ना, हम इसको नोचेंगे बेगैरत औरत को, वो सभी को कर रही है, वहाँ मुसलमान को भी या हिंदुओं को भी, सभी को वो जूते मार रही है, किसी को नहीं छोड़ रही है यहाँ। हाँ बोलते है नहीं, हिंदुस्तान में सब हमको प्यार करता है, हिंदुस्तानी लोग औरत लोग यूट्यूब में हम देखता है, हिंदू लोग है इसका इतना गाली देता है, इतना हम गाली नहीं देता, हम इसको बेशरम बेगैरत बोलते है, वो लोग ऐसा बेकार गाली देता है। हाँ तुम्हारा ये बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ रही है। हाँ भगोरी पता नहीं कौन लोग इसको प्यार करते हैं, पता नहीं, जो मुझे हैरत होती है, वो ठरकी होंगे सारे जो प्यार करते होंगे, करते हैं उसको जेंट्स लोग ज्यादा प्यार करते हैं, ये देखा होगा उसको भाभी बोलते हैं, बस वही लोग प्यार करते हैं, सेक्सी हो भाभी, बहुत अच्छी लग रही हो, ये वही करते हैं प्यार उसको, वो लोग भी बेशरम बेगैरत इसका जैसा, वो लोग का भाई बहन बहू भाग जाएंगे, जाएंगे शादी वो यार का साथ, वो लोग का मुंह भी खुलेंगे, बोलता है इज्जत नहीं है उधर, पाकिस्तान में औरत लोग को इज्जत नहीं है, जूती समझते हम लोग का इस्लाम, हम लोग का जो नबी था आखिरी, इसका सास आखिरी जाने था, सकरात मौत था, बोला या रिजाल उस्ता कुम बिन निसा, यानी तुम लोग को औरत लोग को संभालो, हम लोग का पास औरत का इज्जत है, ऐसा नहीं है इंडिया में। हम देखते है करंट पेट्रोल में कितना जुर्म होता है इंडिया का अंदर, हाँ कितना जुर्म होता है,
अरे बाजी वो तो है ना अपनी है ना इज्जत को है ना तश्तरी में लेके परोस रही है, उसको कोई इज्जत का वो नहीं है ना, उसके जहाँ आई है वो उसको उन लोगों को भी इज्जत नहीं है, इज्जत बेच के ही तो वो लोग खा रहेंगे, इज्जत होती तो ऐसा कदम ही नहीं उठाती वो। अव्वल तो ये कि इज्जत होती तो ऐसा कदम नहीं उठाती, और सेकंड चीज ये कि अगर जाती भी किसी ढंग के बंदे के पास जाती, किसी ढंग की जगह जाती, उसको मिला तो यही मिला, ये चीज क्या है या ऐसे तो कसम से वो बाथरूम में कील नहीं लगी हुई होती जिसपे कपड़े टांगते हैं, वो वाली कील लगती है, ये मनोज मारा, ये सचिन लप्पू बिज्जू के मुंह वाला, इसको इसके ऊपर क्या किसी को प्यार आएगा, इसके माँ ने इसको उठा के फेंक दिया कि ये मुझसे क्या गलती हो गई। नहीं अगर ये दूसरा आदमी से, टकरा आदमी से, पैसा वाला आदमी से, हम लोग बोलता था हाँ शायद इधर से भी जवान था, इधर से भी खूबसूरत था, पैसा वाला था, यानी बोलता था हाँ, लेकिन ये कचरा का पास गया उस दिन, वो पकौड़ा नहीं बना रहा था, ये लप्पू हमारा उल्टी आ रहा था, उल्टी हम फुदू भी नहीं देखा, गंदा हमारा उल्टी आया, हम बंद किया, हम नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, पूरा नहीं देखा बेगैर। ये नहीं, जब इंसान अपने मुल्क से नहीं हुआ, अपने मजहब नहीं हुआ, अपने भाई बहन से नहीं हुआ, अपने यानी कुछ नहीं हुआ, इसको क्या भरोसा करता है इंडिया का अंदर, क्या भरोसा? बिल्कुल दादी, इंडिया में है ना वो ये करते हैं, वो हम लोगों को मालूम नहीं था ना कि पूजा कैसे करते हैं, व्रत कैसे रखते हैं, तुम लोग को सिखाता है इंडिया को सिखाने आई है, तुम लोग नहीं जानते है ना, वो तुम लोग को सिखा रहा है, सिखाने आई है वो, सिंदूर में मांग में सिंदूर पति लगाता है, कैसे रोज पति लगाता है, वो ये सब सिखाने आई है वहाँ पे इंडिया में। ये बहुत फिल्म वो ये कर रही है, फिल्म देख देख के पागल हुई है कसम से, पागल हो गई। हम लोग भी फिल्म देखा, हम लोग पागल नहीं हो गया, ये बेगैरत शैतान का रास्ता पकड़ी, बिल्कुल फिल्में देखते हैं बंदा एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ मतलब ऐसी टाइम पास के लिए देखता है, ये तो अपने ऊपर सवार करके बैठ गई कि मैं वो स्टार प्लस के ड्रामे देखती रहती थी, वो के बस वो सुबह उठी तो मेकअप हुआ हुआ, रात को सो रही तो मेकअप हुआ हुआ, पानी में गिर जाती कम वक्त तो मेकअप हुआ हुआ होता है, मर के दोबारा पैदा हो रही होती तो मेकअप हुआ हुआ होता है, अजीब कोई मेकअप की दुकान बनी हुई, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो मेकअप रोजाना थोपती है, यूट्यूब से ना कमा रही है ना, यूट्यूब से कमा रही है ना। अरे भाई अगर सुबह सुबह चेहरा देख लेगा ना तो देख नहीं सकोगे, इतना मेकअप वो करती है, सुबह अगर बिना मुंह उसका मुंह धुला हुआ चेहरा कोई देख लेना तो वो कोई डर जाए देखकर, ये सब चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा लगता है इसको देख के जैसे फ्रिज में रखा हुआ कोफ्ता नहीं होता, बिल्कुल वैसे इसकी शक्ल बनी हुई है बगैर मेकअप के, तंदूरी चिकन, अगर इसको नागरिकता मिला, अगर नागरिकता नागरिकता है क्या, अगर मिला इसको, अगर लप्पू का ये सब अगर पीसिंग इसको नहीं लेके गया हमारा, बोलो देखो। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही है, यही यही मसला है, यही होगा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है। हाँ इसका जो यार है, जो बड़ा बड़ा लोग है, अपी सिंह है, दूसरा 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 तीन चार है, वो कौन मारा है इसको, यारों मारा है इसको, मक्खन खाने के चक्कर में। नहीं वो बात कर रही थी दूसरा लोग से ना, दूसरा एक आदमी से बात कर रही, लोग आया घुस गया उसको मारा, लप्पू को भी मारा, इसको अच्छा, मारना लप्पू का भी जब मुंह सूजा हुआ था, लप्पू को भी मार लगा, इसको मारा आंख से ना, वो सूजन हो गया इसका आंख, बोलते हमको कोई नहीं मारा, वो हैदर हमको मारता था, हैदर तुमसे फोन से मारता था ना, हाँ फोन से, सऊदी में फोन से हाथ निकाल के मारता था, तो अभी भी मारे फोन, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है ना तो अभी भी इसको फोन से निकल के इसको पकड़ के चुटिया से पकड़ के इसको खींचे बाहर और पाकिस्तान लेकर आए कि कम बहुत मारी तू कर क्या रही है। अगर हैदर तुमको ऐसा पकड़ता था तुम आज ऐसा हरकत नहीं करता था, तुमको ऐसा आदमी नहीं मानता, वो टंडा तुमको मानता, एक आदमी ऐसा तुमको पकड़ेगा, लेकिन हैदर अभी तुमको तूक नहीं मारेगा, बगैरत औरत क्या करेंगे। अच्छा भाई अब हम जा रहे हैं बाजी, जा रहे हैं, गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट, गुड नाइट।
सही, हम भी बस थोड़ी देर में गुड नाइट करेंगे, और मैं बस ये चीज चाहूंगा कि मैं कल दिन में, और मेरा वैसे 9 बजे होता है लाइव, और दिन में जो है वो मैं करूंगा इंशाल्लाह।